हाय, गुड मॉर्निंग। तो अभी कारगिल के होटल से मैं करने वाली हूँ चेकआउट। प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है और आई होप वापस आते हुए मैं यहीं पे रुकूंगी। स्पेशली दिस व्यू इज़ ऑसम। पूरा इतना बड़ा पहाड़ है सामने और ये तो आज ले मिलेंगे हम। मैं ले के लिए जा रही हूँ। रास्ते में चार पांच स्पॉट हैं, वहाँ पे रुकूंगी। गलियाँ निकलती हुई मैं सुबह सुबह रश में से, रश हो जाता है सुबह सुबह, सभी टूरिस्ट जो हैं वो रुके होते हैं और निकलते हैं। वो बस वाला खड़ा है ना, तो उसकी वजह से जाम लग गया। बस वाले की वजह से जाम लग गया। खुल गया। बच्चे हैं, स्कूल जा रहे हैं। पहाड़ ही हैं, दूर से तो मिट्टी के लग रहे हैं लेकिन है पत्थर ही। वो जैसे ना ब्राउन से कलर का पत्थर है और ऐसे लग रहा है जैसे मिट्टी के पहाड़ हैं। और छोटे छोटे घर बने हुए हैं, दूर से छोटे छोटे लग रहे हैं तो बड़े ही, और देखने में वो कितने क्यूट से लग रहे हैं दूर से घर, जैसे बचपन में घर घर नहीं खेलते होते वैसे घर लग रहे हैं। ये जो कारगिल सिटी है ना, ये पूरी रिवर है साइड पे, इस रिवर का नाम है सुरू रिवर। वो देखिए सारी रिवर आ रही है इधर से। ये पूरी कारगिल सिटी रिवर के साइड साइड पे बसी हुई है। दो हिल्स हैं, बड़े बड़े हिल्स। कारगिल आपको पता ही है, कारगिल यहाँ से LOC बहुत पास ही है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 1-2 किलोमीटर। बस पहाड़ों को क्रॉस करना है, वहाँ पे आर्मी की बहुत स्टिकनेस होती है। हुंदरमैन विलेज है लास्ट विलेज, वो पहले मैं एक्सप्लोर कर चुकी हूँ, मेरे यूट्यूब पे उसका वीडियो भी है। ये जो सुरू रिवर है ना, इसी को क्रॉस करना है मैंने। और सुरू रिवर को ये देखिए, ये रिवर इतना तेज़, इसमें सारा ना पीछे से पानी आता है सभी हिल्स का। और सुरू रिवर को क्रॉस करके ही मैं जाऊंगी लद्दाख की साइड पे। चारों तरफ से टैक्सी आ रही है, चारों तरफ से। और ये जो फ्लाईओवर बना है ना, सुरू रिवर के ऊपर ही बना हुआ है। और ये सुरू रिवर आगे जाके ना, वो उधर से कारगिल रिवर आती है और उसी में मिल जाती है। मतलब इतना पानी है ना इसमें, और पीछे से जो कारगिल रिवर आ रही है ना उसी में मिल जाती है। वो देखिए लामा यूरू 106 ले है, 225 यहाँ से। इधर भी देख लो भाई, ये देखो भाई कारगिल सिटी का पूरा व्यू। वो सारी सुरू रिवर आ रही है इधर से उधर तक जा रही है। वहाँ से मैं क्रॉस करके आई हूँ और आप लोकेशन देखो, इट्स ऑसम लोकेशन। वो उधर ग्रीन वैली है, सारे एप्रिकॉट के ट्रीज वहीं पे होंगे। और उधर भी एक वैली है, बाकी सारा ये कितना बड़ा है कारगिल, कितनी ज़्यादा रेजिडेंसी है। वो उधर सारा आर्मी का एरिया है, जितने वो दूर दूर तक दिख रहे हैं। ऑसम प्लेस। सामने मेरे इतना अच्छा व्यू आ गया ना, मेरे को कैमरा ऑन करना ही पड़ा। क्या देखिए, वो कितने कलर के पहाड़ हैं, जिनको ये राइडर्स, किसी राइडर ने रील वायरल करने के लिए बोल दिया गंजे पहाड़। अरे गंजे पहाड़ की खूबसूरती तो देखो, और ये रोड की खूबसूरती देखो आप। ओ माय गॉड, ऐसे नज़ारे कहीं नहीं मिल सकते लद्दाख के सिवा। ये तो तीर्थ यात्रा है राइडर्स की। वाह, पिछली वैली गई, पिछले पहाड़ चेंज, और ये नज़ारा एक और नया नज़ारा आ गया। ये कोई गांव और आ गया, बहुत बड़ा गांव लगता है, और इसमें पेड़ बहुत सारे लगे हुए हैं। ये देखिए जी, ये गांव शुरू हो गया, गांव के लोग दिखने शुरू हो गए हैं, और पहाड़ों का रंग ही चेंज हो गया गांव के
चेंज होने से ही। ये कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए, नए घर नहीं बनने चाहिए। जो ये अपनी ये वाले घर है ना, इनको नहीं डिस्ट्रॉय करना चाहिए, इन्हीं को मेंटेन करना चाहिए। क्योंकि जब बाहर से कोई आता है उसे अपना ही कल्चर दिखाना चाहिए, ना कि उसको एसी लगा के दे दो कि अब एसी गर्मी है जी एसी में बैठ जाओ। नहीं, एक्चुअल में जो जैसा वेदर है वैसे ही वेदर में उनको एंजॉय करना चाहिए, उस जगह के वेदर को एंजॉय करना चाहिए। आर्टिफिशियल नहीं क्रिएशन कुछ भी करनी चाहिए। उलमुलबेक मैं रुकने वाली हूँ और यहाँ से है वो 28 किलोमीटर्स। ये है लद्दाख के रास्ते, दोनों तरफ पहाड़ हैं पत्थरों के और बीच में बीआरओ ने अच्छी सी रोड बना रखी है। चुम्मेश्वरी लोकेशन मुलबेग रह गए यहाँ से 10 किलोमीटर्स। धूप है काफी तेज पर गाड़ी चलाते पता नहीं लग रहा, काफिले ही काफिले। अब ये रोड इधर को भी एक जा रही है, किसी विलेज को जाती होगी। ये गोम्पा आ गया, ये है जी ले में जो मोनेस्ट्रीज है उनके गोम्पास बने हुए हैं। जी एक मोनेस्ट्री बनी हुई है, मुझे लग रहा है कि ये विलेज था बुद्ध खबरू लिखा हुआ था शायद। बहुत ऊंची मिनिस्ट्री है। मैं पहुंच चुकी हूँ मुलबेक में और ये मोनेस्ट्री है जहाँ पे ये जो पूरा पहाड़ है इसके पीछे बुद्धा का स्टेचू बना हुआ है, द फ्यूचर बुद्धा जिसको कहते हैं, और अंदर प्रेयर चल रही है। तो मैं अंदर जाऊंगी अभी। ये बहुत नैरो सी रोड है, आसपास कैफे बने हुए हैं 2-3 और लोग यहाँ पे रुकते हैं। तो अभी मैं मुलबेक मोनेस्ट्री जो है इसके सामने बैठी हूँ और ट्राई कर रही हूँ ये थुपका। जुले 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 आप लोकल हो जी? मैं ले कर ले से हूँ। आप ले मनेस्ट्री के बारे में कुछ बता सकते हैं? ये मुलबेग का जी चंबा बोलते हैं, यानी लद्दाखी और टिबेटियन लोग है ना, चंबा मीन मित्र बुद्धा को बोलते हैं। मैत्री बुद्धा जी मित्र बुद्धा जो इसको फ्यूचर बुद्धा बोलते हैं। फ्यूचर बुद्धा जी जैसे गौतम बुद्ध यानी धरती पर आने से पहले है ना, तो थे वो जगह यानी मित्र बुद्धा को देकर आए। जी आप गौतम बुद्ध का क्या बोलते हैं, जो युग जब खत्म हो जाएंगे तब मित्र बुद्धा, तब मित्र बुद्धा आएंगे इन फ्यूचर बुद्धा। जी फ्यूचर। कितने साल पुराना है ये? ये तो बहुत पुराना होंगे क्योंकि जब अफगानिस्तान में जब बुद्धिज्म हुआ करता था जिसको गंधर्व बोलते हैं ना। हाँ जी 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 वो आर्ट्स बोलते हैं, गंधर आर्ट्स। तो यानी बोलते हैं कि टिबेट में जब बुद्धिज्म शुरू नहीं हुआ था उस टाइम से पहले का है। पहले का जी ओके जी। ये जैसे बुद्धा यहाँ पे कई जगहों में, करगिल में, यहाँ शंकू में है और सौद में है, सभी जगह पे। जी और लेह में भी आपको बहुत सारे मिलेंगे, बहुत सारे बुद्ध। इतने बड़े नहीं मिलेंगे, छोटे 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 बुद्धा। जैसे कि लेह में शांति स्तूप के नीचे के चंगस्पा बोलते हैं, चंगस्पा मीन अभी जो बोली में चेंज हो गया, यानी असली में चंबा बोलते हैं। ओके वहाँ पे छोटे छोटे यानी 4.5-6 feet के पत्थरों पे बहुत सारे मित्र बुद्धा है। जी इसलिए चंबा में मित्र आपको बोलते हैं। जी खुली बता दें। थैंक यू सो मच। ये बनाया था ना फर्स्ट सेंचुरी में? हाँ वो तो मैंने पढ़ लिया, फर्स्ट सेंचुरी में बनाया था। आने वाला बुद्धा मानते हैं हम लोग, यानी एंड ऑफ कलयुग में। तो आप अगर ये बिलीव करते हैं तो इसका नाम मित्र है।
इसीलिए मित्र बनाए गए, तो क्योंकि लोगों को समझेगा क्योंकि क्या होता है, लाइविंग क्या होता है, कैडनेस क्या होता है, ऐसे सीखने के लिए तो हमें बचा सकता है कलयुग ऐसे मनते हैं। तो ये बनाया था कनिष्क के टाइम पर बनाया था, अशोक के बाद कनिष्क आया गया। तो उस टाइम तक बुद्धिज्म बहुत थे ना, बुद्धिज्म बहुत फैला था इंडियन से देखकर पाकिस्तान अफगानिस्तान इस तरह बहुत विजन था उस टाइम तक ऐसे स्टेचू बनाने के लिए, क्योंकि राजा लोग जंग लड़ते होगा क्योंकि बहुत पाप करते हो ना, तो इसके प्रायश्चित करने के लिए ऐसे मूर्तियाँ ऐसे स्टेचू ऐसे बहुत बने। ये स्टेचू कितना लंबा है? 30 फीट बोल रहे, 30 फीट है, 35 बोल रहे, 35 फीट है। मैं पंजाब से हूँ। मुलबेक मोनेस्ट्री से चलते हैं ले की तरफ और रास्ते का सफ़र देखते हैं कैसा है। मैंने लोकेशन लगा ली है होटल की, गलत लग गई है ये, कुछ गूगल घुमा रहा है इधर उधर। ये वादियों से अब मैं जा रही हूँ ले की तरफ। मुलबेक बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम रुकी थी यहाँ पे, अंदर जाके पूरा मोनेस्ट्री देखी, ड्रोन शॉट भी लिया और आपके साथ भी शेयर करेंगे। और अब चलते हैं आगे। हसीन नजारों की तरफ। नमीकला है यहाँ से 15 किलोमीटर्स, और आपको जाके नमीकला पास दिखाएंगे कि वो कितनी हाइट पे बना हुआ है। 14-15 पे ही होगा शायद। देखो भाई कैसे हैट डाल के लोकल लोग काम कर रहे हैं। बात करने को दिल तो कर रहा है लेकिन गर्मी बहुत है। मेरे को शाम को निकलना चाहिए था तो ये नज़ारे अच्छे मिलते, गर्मी कम लगती। और सबसे चश्मे लगा के काम कर रहे हैं यहाँ पे, सूरज की लाइट बिल्कुल डायरेक्ट होती है ना, और उसकी वजह से भी ये आईज को प्रोटेक्शन देते हैं पूरी।